एक बूंद ही काफी है, खाट पर पड़ा आदमी भी दौड़ पड़ेगा, सूखी बेजान नसों में ताकत भर देगा, चोट मोट सूजन में लगाते ही असर शुरू, डायबिटीज का कर देगा बिल्कुल जड़ से सफाया। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे दोस्तों, इस पौधे की एक बूंद ही आपकी जितना भी पुराने से पुराना आपको दर्द हो उसका बिल्कुल जड़ से सफाया कर देगी दोस्तों। आपकी सूखी बेजान नसों में भी ताकत देगा, नसों में भी खून दौड़ने लगेगा क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहेगा, जिससे कि आपका शरीर तो ताकतवर बनेगा ही, यानी जो अंग आपके प्रॉपर रूप से काम नहीं करते वो अंग भी प्रॉपर रूप से काम करेंगे। और यदि डायबिटीज रोग की बात करो तो डायबिटीज रोगियों के लिए भी ये पौधा एक वरदान की तरह है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आक के पौधे की दोस्तों। आक को आक, आंकड़ा और मधार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये पौधा आपको कहीं भी खरपतवार में खड़ा हुआ मिल जाता है, खेतों के किनारे खड़ा हुआ ये पौधा मिल जाता है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। ये बहुत अधिक चमत्कारी है। आपके शरीर में चाहे घुटनों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, पैरों में दर्द हो, तलवों में दर्द हो दोस्तों, हर तरह के दर्द का नुस्खा ये इलाज है दोस्तों। चाहे आपको मोच आ गई हो, चोट लग गई हो, सूजन हो, उसका भी ये नुस्खा इलाज है। बस आपकी चोट कहीं से फूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी चोट से खून रिश्ता है तब आपने इस पौधे का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। यदि आपको डायबिटीज की बीमारी है और आप अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं दोस्तों, तब भी ये पौधा आपके लिए वरदान की तरह काम करेगा। और इसको लगाते ही 10 मिनट के अंदर आपका दर्द, चाहे जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, छूमंतर की तरह गायब हो जाएगा। इतना चमत्कारी है ये पौधा, इतना वरदान है इस पौधे के पास। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने इस पौधे का प्रयोग करना कैसे है दोस्तों। आपने आक का पौधा लेना है, इसका पत्ता एक तोड़ना है, उससे दूध निकलेगा। जैसे आपको घुटनों में दर्द है, आपने उस दूध की 1 से 2 बूंद अपने घुटनों पर लगानी है और उसको अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। और ऊपर से आप ये एक पत्ता लेकर इसको आग पर सेक लें और जिस साइड से चिकना है उस साइड से इस पे हल्का सा तिल का तेल या सरसों का तेल लगाकर इसको गर्म करें और यहाँ पर अपने बांध लें, जहाँ पर आपने जोड़ों के दर्द या घुटनों के दर्द पर एक बूंद लगाकर हल्की सर्कुलर मोशन में मसाज की थी। और आप देखेंगे कि 10 मिनट के अंदर ही आपका जो दर्द है वो छूमंतर की तरह गायब हो जाएगा दोस्तों। वो इसलिए होगा क्योंकि साग के पौधे में ऐसे एल्कलोइड पाए जाते हैं जो आपके दर्द को हरने का काम करते हैं, आपके दर्द को छूमंतर की तरह गायब करने का काम करते हैं। इतना चमत्कारी है। आप जोड़ों के दर्द में भी सेम ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं, कमर के दर्द वाली जगह पर भी सेम ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं, या आपकी एड़ी के टखनों में दर्द है, या आपके पैरों के तलवों में दर्द है तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग ऐसे ही कर सकते हैं। हल्का सा सर्कुलर मोशन इसके दूध की मसाज करें और ऊपर से इस पत्ते को आग पर सेक कर रख दें और आप किसी भी गर्म चीज की सहायता से वहां पर सिकाई भी कर सकते हैं, उससे आपको और भी अधिक चमत्कारी फायदा मिलेगा। यानी आपने साग के पत्ते का इस तरह से प्रयोग करना है दर्द के लिए, यदि आप दर्द वाली जगह पर इसका प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपने इस बात का ध्यान रखना है कि साग के दूध की जो आप दूध निकालेंगे उसकी बूंद आपकी आंखों में नहीं गिरनी चाहिए, वरना अंधापन आ सकता है, इसलिए आपको इसको सोच समझ कर ही प्रयोग करना है। अब बात आती है डायबिटीज के बारे में कि आप इसको डायबिटीज पर कैसे प्रयोग करें। तो दोस्तों डायबिटीज के लिए आप इसके एक पत्ते को लें और रात को सोते समय या आप दिन में सुबह आप इसके एक पत्ते को जहां से चिकना पार्ट है वहां से आप अपने पैरों के तलवे पर बांध लें। आप वहां से बांध सकते हैं, उसके अपोजिट साइड से बांध सकते हैं, लेकिन वैसे तो ये कहा जाता है कि अपोजिट साइड से बांधना चाहिए, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि उसे एनीमिया की समस्या हो जाती है, खून की कमी की समस्या आती है। लेकिन यदि आप सीधे जहां से चिकना है वहां से बांधेंगे तब आपकी वो एनीमिया की समस्या नहीं आएगी और ये पौधा भी काम करेगा, यानी कम तरीके से काम करेगा, कम यानी कि एक होता है ना हल्का नुस्खा बन जाता है, एक होता है हैवी नुस्खा। यदि आप इसके बैक साइड से उल्टे साइड से बांधेंगे तो ये हैवी नुस्खे की तरह काम करेगा, लेकिन यदि आप इसे चिकनी तरफ से बांधेंगे तो ये हल्के नुस्खे की तरह काम करेगा, जिससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ऊपर से आप कोई रील वगैरह के बांध दें जिससे कि आपकी एड़ी पर, और आप ऊपर से सॉक्स डालें। जैसे आपने सुबह बांधा तो आपको शाम को निकाल दें, अगर आप रात को बांधे तो सुबह निकाल दें, इस तरीके से। यानी आपने 2 से 3 दिन से ज्यादा इसका प्रयोग नहीं करना है और आप देखेंगे दोस्तों कि आपका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। जो आपका शुगर पहले 300 या 400 रहता था वो बिल्कुल 100 पर आ जाएगा। इतना चमत्कारी है ये आपका पौधा, डायबिटीज रोग के लिए किसी वरदान की तरह काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी इस नुस्खे का आज से ही प्रयोग करें और अपने सभी तरह के दर्द और इस डायबिटीज की बीमारी का इलाज कर दें। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी
सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद दोस्तों।